हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अग्रावत। तो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इनको सब आप जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एलईडी टीवी में लगने वाली बैक लाइट स्ट्रिप है। सभी एलईडी और एलसीडी टीवी में जो पैनल होता है उसके अंदर ये लगी रहती है, और इसमें दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप और एक एलईडी स्ट्रिप में चार एलईडी लाइट, पाँच एलईडी लाइट, छः एलईडी लाइट या सात एलईडी लाइट भी हो सकती है। पैरेलल और सीरीज में ये लगी रहती है। तो दोस्तों, ये जब ख़राब हो जाती है तो इनको कैसे रिपेयर किया जाता है, तो आज की वीडियो में एलईडी बैक लाइट को हम रिपेयर करेंगे। तो ये तीन स्ट्रिप मेरे पास हैं, तो तीनों स्ट्रिप ख़राब हैं। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये एक एलईडी सही है इसकी, और ये दूसरी वाली एलईडी ख़राब है। देखिए, ये सही है, ये ग्लो नहीं हो रही है। मैं पूरी एलईडी को वन बाय वन आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये लास्ट में ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें एक एलईडी ख़राब है और छह एलईडी एक स्ट्रिप में लगी है। दूसरी को देखते हैं, इसमें ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, इधर से चेक करते हैं, ये देखिए सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ये एलईडी ख़राब है। ठीक है, तो इन तीनों स्ट्रिप में एक एक एलईडी ख़राब है। इसमें ये वाली ख़राब है, फर्स्ट वाली। दोस्तों, ये एक स्ट्रिप में अगर पाँच या छः या सात एलईडी लगी है तो सीरीज में लगी रहती है, और इनमें से कोई सी भी एक एलईडी अगर बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ये पूरी स्ट्रिप ग्लो नहीं करती है। ठीक है, तो तीनों एलईडी में एक एक एलईडी ख़राब है। तो इन तीनों स्ट्रिप में से दो एलईडी स्ट्रिप को हम सही कर देंगे। तो तीन एलईडी इसमें ख़राब है, ये ख़राब है, तो इसकी जगह पे हम जो ये एक स्ट्रिप है उसमें से निकाल करके ये चेंज कर देंगे। तो ये हमारी दो स्ट्रिप तो ओके हो जाएंगी, और किसी भी एलईडी टीवी हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार मार्केट में मिलती नहीं है। इनमें अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एम्पियर की ये एलईडी स्ट्रिप होती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनको रिपेयर करने के लिए एसएमडी रिवर स्टेशन जो हॉट गन होती है उसकी मदद से हम इनको जो इसमें एलईडी लगी है उनको निकालेंगे और चेंज कर देंगे। तो इसके ऊपर एक ये लगा हुआ है, इसको निकालेंगे, थोड़ा सा गर्म करने पर निकल जाता है। ये देखिए, और अब इसके नीचे देखिए, यहाँ पे ये एलईडी लगी है, एलईडी लाइट, यही जलती है, और इसी को हमें चेंज करना है। तो बहुत ही सावधानी से करना है। तो हम इस हॉट गन की मदद से इनको इस तरह से निकाल लेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव देख करके चेंज कर देंगे। तो देखिए, हमने एक एलईडी निकाल लिए, देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ से हमने इसे निकाल दी है। ठीक है, और इस दूसरी स्ट्रिप में से एक एलईडी जो कि चालू है उसे निकाल लेंगे और इसमें लगा देंगे। जो सही एलईडी है उसको थोड़ा सा सावधानी से निकालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हम इसे कर देंगे तो ये हमारी एलईडी गर्म होकर के पिघल भी सकती है, ख़राब भी हो सकती है, तो और हमारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी से निकालना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है, और इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे और फिर चेक करके लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हीट अगर इसे लग जाएगी
तो ये पिघल जाती है और ख़राब हो जाती है। तो इसमें एक एलईडी सही है और एक ख़राब है, दोनों हमने निकाल ली। ठीक है, अब इसको हम एलईडी टेस्टर से चेक करते हैं। तो देखिए ये एलईडी सही है, देख सकते हैं, और ये वाली खराब है। चेक करते समय पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान जरूर रखना है। तो इस सही वाली एलईडी को हम इस पे जिस तरह से हमने निकाला था उसी तरह से देख करके लगाना होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के अलग अलग इसमें रहते हैं टर्मिनल। तो नेगेटिव साइड का टर्मिनल कुछ बड़ा होता है और पॉजिटिव साइड का थोड़ा छोटा होता है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उल्टी लग जाएगी एलईडी तो नहीं जलेगी, और फिर इस एसएमडी से गर्म करके हम इसको लगा देंगे। तो इस तरह से हम ये लगा देंगे, जो ये इसके ऊपर पहले हमने हटाया था इसको भी हम एसएमडी से लगा सकते हैं। हालांकि इसे चिपका भी सकते हैं, और एसएमडी से थोड़ा गर्म करके चिपक जाता है। अगर चिपकता नहीं है तो आप किसी ग्लू से भी चिपका सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एलईडी में दोनों टर्मिनल कैसे होते हैं, कि नेगेटिव साइड का बड़ा होता है और पॉजिटिव साइड का थोड़ा छोटा होता है। ये एलईडी है, पॉजिटिव की तरफ का थोड़ा छोटा होता है टर्मिनल और नेगेटिव की तरफ का बड़ा होता है। तो ये बहुत सावधानी से लगाना है देख करके। तो दोस्तों हमने ये लगा दिया, इसमें 6 एलईडी लगी, इसमें लगी है। और अब फिर से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो ये वाली एलईडी हमने अभी चेंज की थी, तो देखिए ये ग्लो हो गई है, ये दूसरी, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये लास्ट वाली 6 नंबर। हमारे एलईडी स्ट्रिप अब ओके है। और इसको देखिए ये कनेक्शन यहाँ पे लगाया जाता है, तो ये पूरी एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रही है। तो इस तरह से हम एलईडी स्ट्रिप को सही कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी जो ख़राब एलईडी है उनमें से एक दो एलईडी अगर ख़राब है तो हम एलईडी को चेंज करके इस तरह से सही कर सकते हैं, और किसी भी एलईडी टीवी में हम लगा सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब